नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2H के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने जा रही हूँ। इससे पिछले के वीडियो में मैंने आपको सारी एक्सरसाइज बता दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें। हमारा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित के गुणनखंड की। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है 48 प्लस 2X माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन लिखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2X प्लस 48, ये हमने लिख लिया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणा करने पर 48 आए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं और जोड़ने घटाने पर हमारी बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 48 के ऐसे गुणनखंड देखते हैं कि हमें जोड़ने पर 2 मिल जाए। तो हम 48 का पहले हम गुणनखंड करेंगे इसके। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। ये हमने 48 के गुणनखंड कर लिए। अब हम देखते हैं कि हमें ऐसी कौन सी संख्या मिलेंगी कि गुणा करवाने पर 48 आए और प्लस करवाने पर 2 आए। तो हम देखते हैं 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, इन तीनों का हम गुणा करवाएंगे, इन तीनों का अलग करवाएंगे और इन दोनों का अलग। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम संख्याएं लिखेंगे 8, 6, ये हमारी संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 48। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये संख्याएं 8, 6, 8, 6। जब हम 8 और 6 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमको 48 मिल जाएगा और जब हम 8 में से 6 को घटाएंगे तो हमको ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो अब हम इसका अंदर गुणा करवाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 का x के साथ 8x प्लस माइनस माइनस 6x प्लस का 48। अब हम इससे कॉमन करेंगे, x को, यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो हमारा अंतर बचेगा माइनस एक्स प्लस 8। यहाँ से प्लस 6 कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा अंदर माइनस एक्स प्लस 8। अब हम माइनस एक्स प्लस 8 और माइनस एक्स प्लस 8 को बाहर लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 8 और ये हमारा लिखा है एक्स प्लस 6, इसको भी लिख देंगे। अब हम 8 माइनस एक्स और 6 प्लस एक्स, इसको लिखेंगे। ये हमारा पहला गुणनखंड हो गया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 91, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हम इसको भी इसी सवाल के तरीके हल करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमें इन इसका और इसका गुणा करवाने पर 91 आए और घटाने पर हमको माइनस 6 मिले। तो हम इसके गुणनखंड देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। 91 का हम गुणनखंड करेंगे तो हम देखते हैं ये किससे कटेगा। ये हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ये हमारा सीधे डायरेक्ट 7 से कटेगा, 13, ये हमारा 13 से कटेगा। तो हमको 7 और 13 संख्याएं मिली हैं, संख्याएं हमारी हैं 13, 7।
जब हम 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमको ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस 7 एक्स माइनस 91। अब हम इसका एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस माइनस प्लस 7 एक्स माइनस 91, ये हमारा आया। अब हम यहाँ से कॉमन करेंगे एक्स को, तो हमारा अंदर बचेगा एक्स माइनस 13, यहाँ से कॉमन करेंगे प्लस 7 को तो हमारा अंदर बचेगा एक्स माइनस 13। एक्स माइनस 13 को बाहर रखेंगे और एक्स प्लस 7 इसको भी यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 30xy प्लस का 29y2, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको भी बिल्कुल हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, 29 गुणा करवाने पर 29 आए और प्लस करवाने पर हमारा 30 आए। तो जब हम 29 का गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा एक बार में ही कट जाएगा पूरा, तो हमारी संख्याएं हो गई 29.1। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 29 प्लस 1 एक्स वाई प्लस 29y2। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई प्लस 29y2। अब हम यहाँ से x कॉमन करेंगे तो हमारा अंदर बचेगा x माइनस 29y। यहाँ से हम माइनस y कॉमन करेंगे तो हमारा अंदर बचेगा x माइनस 29y। अब हम x माइनस 29y को बाहर रख लेंगे, x माइनस 29y और ये हमारा बचा x माइनस y, इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।